हेलो माय लवली प्रोटॉन्स आर्मी अ वेरी मोम वेलकम टू टुडेज सेशन दिस इज निकी मैम योर केमिस्ट्री टीचर एट वेदांतु आई होप आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा और आप सब एकदम बढ़िया होंगे टो इन टूडे सेशन एम गोइंग टू टेल अबाउट टेन प्रोफेशंस दैट एआई इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय बाय ट्वेंटी तो आप कोशिश करना कि ये प्रोफेशन को अपना गोल ना ही बनाओ तो बेटर होगा आई होप आज का सेशन काफ़ी यूजफुल होगा आप सबके लिए And for more such amazing content, academic content, do subscribe to the channel and share it with your friends as well. Okay. <clears throat> स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिफोर दैट बच्चा पार्टी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है निकिता अंडर स्कोर जीरो एट एस एच यू अपार्ट फ्राम दैट वी हैव अ शॉर्ट्स चैनल एज वेल वेदांतू नाइन्थ एंड टेंथ केमिस्ट्री जहाँ पर मैं केमिस्ट्री के शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेक श्योर यू डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल अपार्ट फ्राम दैट यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एज वेल ओके okay. तो पहला ऐसा कौन सा प्रोफेशन है दैट इज एक्चुअली द प्रोफेशन ऑफ रिसेप्शनिस्ट ठीक है जो कि बेसिकली लोगों को ग्रीट करते हैं इफ़ दे हैव एक्चुअली सॉर्ट ऑफ बुकिंग्स और एनीथिंग उस चीज़ में वो हेल्प करते हैं टू मेक श्योर दैट द वर्क इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस तो रिसेप्शनिस्ट आई वुड डेफिनेटली टेल यू की एटलीस्ट आप ये प्रोफेशन अवॉइड uh, करो इन दिस यू एक्चुअली ग्रीट पीपल राइट हैव कॉन्वर्सेशन विद अबाउट इफ दे हैव एनी सॉर्ट ऑफ बुकिंग होटल और एनी थिंग राइट सो दे एक्चुअली मेक्स्योर देट द प्रोसेस इज स्मूथली डन है ना कस्टमर्स को कोई दिक्कत नहीं आती है राइट right? सो so, ये पर्टिकुलर प्रोफेशन आपको अवॉइड करना चाहिए नेक्स्ट आपका है प्रूफ रीडिंग राइट प्रूफ रीडिंग आई थिंक ए आई इज एक्चुअली अ वेरी बेटर ऑप्शन कंपेरिटिवली क्योंकि प्रूफ रीडर्स का काम क्या होता है टू फाइंड आउट एरर्स टू फाइंड आउट एरर्स ठीक है कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या रिसर्च पेपर दे दिया गया सैंपल दे दिया किसी चीज का तो अगर वो पैराग्राफ या एंटायर एनीथिंग एनी पर्टिकुलर थिंग इज मेंशन अबाउट अ सर्टेन टॉपिक तो आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई गलतियां तो नहीं है दैट इज द वर्क ऑफ द प्रूफ रीडर ठीक है तो ये भी एक प्रोफेशन आप डेफिनेटली अवॉइड करना बिकॉज डेफिनेटली ए इज एक्चुअली गोइंग टू गो अहेड एंड यू नो रिप्लेस द प्रूफ रीडर्स बाय

जॉब का प्रोफेशन अवॉइड करना चाहिए नेक्स्ट आपका है टेली मार्केटर्स एक्चुअली हैव अ कॉल ओवर द कस्टमर्स मोस्टली आपका ये सेल्स पार्ट का अगर मैं बोलूं इन्वॉल्व करता है दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन आल्सो यू शुड अवॉइड नेक्स्ट है आपका डाटा एंट्री क्लर्क सो बेसिकली यू आर एक्चुअली एंट्रिंग द डाटा और एनीथिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सैम्पल और एनीथिंग तो ये चीज आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो दीज जो भी मैं आपको प्रोफेशन आज के सेशन में बता रही हूँ ये बेसिकली इजिली रिप्लेसिबल है राइट right? तो आप ये प्रोफेशन को चूज़ मत करो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी वी हैव द वेदांतु ऑफलाइन सेंटर्स इतने सारे शहरों में ऑलरेडी विच इज़ देयर ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो सो so आप दो तरीके से इसमें एनरोल कर सकते हो यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर या फिर आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करके रजिस्टर करके अपना सीट कंफर्म कर सकते हो नाउ बच्चा पार्टी वेदांतु ऑफलाइन सेंटर के पर्क्स क्या है इनका बेनिफिट्स क्या है ओब्वियसली वी आर गिविंग यू द टॉप नॉच टीचर्स ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बी जे ई हो गया नीट हो गया फाउंडेशन हो गया एग्जाम का प्रिपरेशन इफेक्टिवली करो अपार्ट फ्रॉम द टीचर्स यू आर ऑल्सो गेटिंग द अकेडमिक मेंटर्स क्योंकि आपके पूरे एग्जाम प्रिपरेशन के जर्नी में आपको मेंटर की जरूरत डेफिनेटली होगी जो आपके पाथवे को बहुत स्मूथ करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और अच्छा करेंगे राइट देन यू हैव स्मार्ट क्लिकर्स इन एवरी सेशन और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिस चीज़ का हमने ध्यान रखा है इज द थ्री वे डाउट सपोर्ट ठीक है आप बहुत वास्ट सिलेबस पढ़ते हो वन यू गो इन टू हायर ग्रेड्स तो उसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं और डाउट्स में क्लैरिफिकेशन पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है राइट right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लैरिफिकेशन मिले हर टॉपिक्स में राइट सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव एक्चुअली टेकन केयर ऑफ यू आर हैविंग थ्री वे डाउट सपोर्ट सिस्टम एज वेल ओके तो वही चीज मैंने अभी यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि हम आपको टॉप नॉच टीचर्स दे रहे हैं The teachers are going to give you great content. आपके sessions काफ़ी एंगेजिंग और अच्छे होने वाले हैं राइट right? ग्रेट content. Again, आप मैंने अभी बोला कि बहुत वास्ट सिलेबस पढ़ते हो आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टीचर कि आपके सारे concepts क्रिस्टल क्लियर हों अगर कॉम्प्लेक्स concepts हैं, उनको आप स्मॉलर ग्रुप्स में या चंक्स में डिवाइड करके अच्छे से समझोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा easy होगा ठीक है देन यू हैव रिगरस टेस्ट प्रैक्टिस अगेन एग्जाम प्रिपरेशन में टेस्ट टेस्ट प्रैक्टिस का इम्पॉर्टेंस आई होप आप सबको अब तक पता चल गया होगा द मोर नंबर ऑफ क्वेस्स यू प्रैक्टिस उतना ही कॉन्फिडेंट आप स्पेसिफिक टॉपिक्स में फील करते हो राइट right? तो ये पूरी आपकी वी एल सी का वेदांतु ऑफलाइन सेंटर्स की पूरी कहानी है अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल अगर आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ यू कैन एक्चुअली गो फॉर वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस आपके मार्क्स पक्का से इम्प्रूव होंगे Now it's a two-way thing. टीचर इज पुटिंग इन हंड्रेड परसेंट ऑफ एफर्ट्स आपको भी इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगाना पड़ेगा और अगर स्टिल आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए यू कैन क्लेम फॉर हंड्रेड परसेंट फीस रिफंड ठीक है एंड वी हैव एक्चुअली सीन की ओवर नाइनटी एट परसेंट विद स्टूडेंट सो एंड इनक्रीज इन देर मार्क्सली इट्स आपको भी कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाना होगा आप एफर्ट्स लगाना छोड़ दोगे एंड यू पुटिंग एवरी थिंग ऑन द टीचर तो वो चीज सही ही नहीं है बच्चा पार्टी प्रोटॉन्स आर्मी यू हैव टू पुट इन है तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो वेदांतु ऑफलाइन सेंटर में आपको मिलेंगे फॉर द ट्वेल्थ स्टूडेंट्स उनका टारगेट एग्जाम होगा जेई और नीट का राइट फॉर इलेवेंथ मूविंग ट्वेल्थ अगेन जेई एंड नीट टेंथ जो इलेव टेंथ के बच्चे जो इलेवंथ में जा रहे हैं जेई और नीट का के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे सेवंथ मूविंग एट्थ एट्थ मूविंग नाइन्थ एंड नाइन्थ मूविंग टेंथ जेई नीट और फाउंडेशन के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे राइट सो दिस इज एक्चुअली द कोर्स नेम एंड स्टार्ट डेट अगेन आप एनरोल कर सकते हो इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन ठीक है सो so डेफिनेटली अगर आप आसपास इन शहरों के रहते हो जिसका मैंने लिस्ट आपको ऑलरेडी बताया डू विजिट द विदांतु ऑफलाइन सेंटर जहां आपको हाईएस्ट पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा हर स्टूडेंट पे इक्वली ध्यान दिया जाएगा यू कैन लर्न फ्रॉम द मोस्ट टेक अनेबल्ड क्लासरूम एंड गेट अमेजिंग स्कॉलरशिप ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी यू हैव जीत की रहा जहाँ पे आपको अच्छा करियर काउंसलिंग मिलने वाला है यूर गोइंग टू मीट योर अमेजिंग मास्टर टीचर्स सो यू कैन एक्चुअली मीट योर फेवरेट मास्टर टीचर एंड अटेंड करियर काउंसिलिंग ताकि आपका अवेयरनेस हो अबाउट सर्टन सेट ऑफ गोल्स और प्रोफेशन दैट यू वॉन्ट टू चूज आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है एंड यू कैन एक्चुअली अवेल एक्साइटिंग गुडीज तो भुवनेश्वर का ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो चुका है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को एल्प्रो मॉल पी सी एम सी पुणे में होने वाला है ट्वेंटी थर्ड मार्च को जनकपुरी डेली और थर्टी फर्स्ट मार्च को बापू सभागर पटना में तो आप अगर इन शहरों के ऑबियसली द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन बाकी तीन शहरों के आसपास या एक या दो घंटे की दूरी में रहते हो डेफिनेटली डेफिनेटली अटेंड दिस सेशन ये आपके करियर गाइडेंस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर आइडिया मिलेगा कि आप कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करो ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी यू हैव योर मेगा लॉन्च इवेंट ऑफ विदांतु लर्निंग सेंटर इन पुणे जहां पे आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स आने वाले हैं करियर काउंसलिंग मिलेगा रोड मैप मिलेगा किस तरीके से आप जेई और नीट की प्रिपरेशन करके

ऑनलाइन कुछ भी चीज आपको रिसर्च करनी कोई न्यू टॉपिक जो आप नहीं समझते हो या पहली बार कोई वर्ड सुन रहे हो सो दिस यू कैन एक्चुअली टाइप इट इज़िली और आपको इंस्टेंटली उसका इलेबोरेट आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा सो अगेन रिसर्च एंड एनालिसिस इफ यू वॉन्ट टू डू इन जनरल आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप पी करने में इंटरेस्टेड हो

Bye bye.